नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बड़ी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू से जुड़ी हुई जानकारी लेकर, आलू के भाव लेकर। दोस्तों, और आज देखो यात्रा है, गाड़ी में चल रहे हैं इस समय हम, तो मैंने कि आप लोगों को पहले अपडेट दे दूं। मंडी भाव मैंने लगभग ले लिए थे और मेरे साथ हैं गौरव शर्मा जी, देखो इधर, और ये है अभिषेक शर्मा जी और शशांक शर्मा जी। ये रे, दिख नहीं रहे तुम, गाड़ी चला रहे हैं, सामने बस आ रही है, और चाचा जी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो दिख जाएंगे बाद में। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे आलू भाव के ऊपर। आज मंडियों में खूब बंपर आमदनी है, 2024 की मतलब सबसे ज्यादा आमदनी है कुछ मंडियों में। तो अब जैसे जयपुर की बात करें तो जयपुर में 85 गाड़ी है, दिल्ली आजादपुर में 150 गाड़ी है, ठीक है। और क्या मंडियों में कितनी गिरावट आई है इतनी आमदनी होने के बाद, कानपुर की क्या स्थिति है, साउथ में कैसे बाजार है, साउथ में कैसी आमदनी है, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। कि साउथ में इस समय अराइवल कम हुआ है और लोकल मंडियों में अराइवल इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब त्योहार की वजह से रक्षाबंधन आ रहे हैं, रक्षाबंधन की वजह से भी दोस्तों आदमी सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा आलू मंडी में, फिर खपत भी बढ़ी है इस समय। जिन मंडियों में 50-60 गाड़ी बिकती थी उनमें 70-80 बिकने लगी है। अब धीरे धीरे बारिश का भी थोड़ा सा प्रभाव कम होगा हर जगह, तो खपत तो ऑटोमेटिक बढ़ती है। दूसरा दोस्तों, घबराहट सबसे ज्यादा उनके अंदर है, कौन से किसानों के अंदर सबसे ज्यादा घबराहट उन किसानों के अंदर है जिन्होंने अभी अपने आलू के दाने की बिक्री नहीं की थी, वही कोल्ड स्टोरों पर जाकर अब इस समय औने पौने दामों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उन्हें ये टेंशन नहीं हो रही है कि तब हम रोके बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि करीब 100 रुपए बढ़ जाए, 50 रुपए बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, कल जो ऊंचे में आलू की बिक्री हुई हमारे टूंडला में, वो हुई लगभग 1350 रुपए तक ऊंचे में आलू की बिक्री हुई, बढ़िया आलू की। हल्के आलू वही बिक रहे हैं आपके 1050 रुपए, 1100 रुपए, और गुल्ला बिक रहा है 1025 रुपए तक। एक कोल्ड स्टोर में गुल्ला दोस्तों खंदौली में कल 1100 रुपए ही बिका है। अब एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस समय इतना ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। माहौल तो इस कदर, देखो व्हाट्सएप ग्रुप में मंदड़िया जो हावी हुए हैं वो तो हावी रहेंगे ही, और अब वो अगर इतना ही अगर हावी रह के नुकसान किसानों को पहुंचाना चाह रहे थे तो वो 4.5-4 महीने से लगातार धमाचौकड़ी करने में लगे हुए थे। जैसे ही आप लोग कंट्रोल खो गए, जैसे ही आप लोग आमदनी उल्टी सीधी आमदनी मतलब क्षमता से ज्यादा आलू मंडियों में भेजने लगे, बंद कर ले से, फिर उसके बाद ही दोस्तों मंडियां, आप जहां क्षमता 20 गाड़ी बिकने की है वहां 30 गाड़ी पहुंच जाए तो क्या होगा भाई, गड़बड़ तो होगा ही। तो ये है दोस्तों स्थिति इस समय। हम है मनिया राजस्थान में, और विजय त्यागी जी आप कहोगे कि शर्मा जी हमसे मुलाकात करके नहीं गए, पर चलो कोई बात नहीं, फिर करेंगे किसी दिन मुलाकात। और दोस्तों यहाँ पर बड़ी अच्छी सब्जी मंडी लगती है मनिया में। और अब हम बात करेंगे मंडी के भाव के बारे में, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा क्योंकि अपलोड करने के लिए भी व्यवस्था गाड़ी में चलते चलते हिसाब नहीं बन पाता है, ठीक है। तो मंडी भाव की बात करें तो शुरुआत हम करेंगे आपकी बेंगलोर मंडी से। तो बेंगलोर मंडी में आज 32,000 कट्टे की दोस्तों आमदनी है, और बेंगलोर मंडी में जो आलू बिके हैं वीवीआईपी आलू आज बिके हैं आपके, जो आलू 32 रुपए किलो बिक रहे थे, 33 रुपए किलो बिक रहे थे, आज बेंगलोर मंडी में वीआईपी आलू बिके हैं आपके 31 से 32 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी के दोस्तों आलू बिके हैं आपके 28 से लेकर 29 रुपए किलो। देखो जो ककोरा बिक रहा है, ककोरा जो जंगली अंकल, ये ककोरा खाइए इसकी सब्जी दोस्तों, ककोरा की, ककोरा यहाँ बड़ा होता है, जंगली ये सब्जी होती है यहाँ पे राजस्थान में, बहुत यहाँ पे रखी हुई है जगह जगह। तो मैंगो अब कहाँ रहे हैं, ये दोस्तों स्थिति है। लगभग मान लो आप 50 रुपए की गिरावट मान सकते हैं आप इसमें बेंगलोर मंडी में, क्योंकि अराइवल ज्यादा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लगभग 4-5 दिन की बात पहले की करूं दोस्तों, तो बेंगलोर मंडी में यही अराइवल चल रही है। आज मंडी में व्हाट्सएप ग्रुपों में जो फर्जी जो भाव आलू के डालने वाले हैं, तो दोस्तों लगातार ये जो फर्जी व्हाट्सएप ग्रुपों में भाव डालने वाले हैं वो उल्टे सीधे भाव आपको बताइए डाली रहे, जबकि बेंगलोर मंडी में आज आलू ज्यादा होने के बाद भी मात्र 50-40 रुपए का ऊपर नीचे रहता है, ये सारी मंडियों की आदत होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं बेंगलोर के बाद एक एक करके मंडियों की बात करेंगे दूसरी मंडी की। नासिक मंडी की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो नासिक में आज 25 से 26 गाड़ी है वीवीआईपी आलू, आज 28 से 29 रुपए किलो बिके हैं, हल्के आलू बिके हैं 23 से लेकर 25 रुपए किलो तक। नागपुर मंडी की बात करें तो वीआईपी आलू 28 से 29 बिक रहे हैं, हल्के क्वालिटी के आलू बिक रहे हैं 24 से 25 रुपए किलो तक, ठीक है। इन कोई इन मंडियों में गिरावट नहीं है, गिरावट वाली मंडी में बताऊंगा जैसी अब मेरे सामने आ जाएंगी वैसे ही, ठीक है। बात कर लेते हैं मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में आज लगभग 26,000 27,000 कट्टे की दोस्तों आमदनी है, और
वीवीआईपी आज 37-97 आलू 26 से 27 रुपए किलो तक बिके हैं, और हल्की क्वालिटी के, और हल्की क्वालिटी के दोस्तों आलू बिके हैं आपके 24 से लेकर 25 रुपए किलो तक, और ज्यादा हल्के 18-19 रुपए किलो बिके हैं। हाइब्रिड आलू की कोई डिमांड नहीं है, सुगर फ्री आलू भी आज दोस्तों डाउन हो गए। वीवीआईपी आलू आज बिके हैं 26 से 27 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के 24 से लेकर 25 रुपए किलो तक, ठीक है। और एमपी का जो ज्योति है वो बिक रहा है दोस्तों 25 से 26 रुपए, 27 रुपए 28 रुपए किलो तक, ठीक है, ये स्थिति है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी गुवाहाटी मंडी की, तो आज गुवाहाटी मंडी में 1 रुपए किलो की तेजी है। जो वीआईपी आलू है दोस्तों बढ़िया, फरुखाबाद के 29 से 30 बिके हैं, आगरा के दोस्तों बिके हैं आपके 30 से लेकर 33 रुपए किलो तक, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों दिल्ली आजादपुर की, तो दिल्ली आजादपुर में लगभग भाव वही सेम है दोस्तों। मैं तो ये सोच रहा था कि मंडी आज टूट जाएगी, भाव कम हो जाएंगे एक साथ, धीरे चलो महाराज, वीडियो नहीं बनाने दोगे तुम तो, ये समझ लो कि सस्ते जो स्थिति ये है दोस्तों दिल्ली आजादपुर की, के आलू 150 गाड़ी है आज रिकॉर्ड, मतलब 2024 में सबसे ज्यादा आमदनी है आज, क्योंकि अब आगे रक्षाबंधन के त्योहार, कई छुट्टी पड़ गई, फिर दूसरा दोस्तों थोड़ा सा किसानों के अंदर घबराहट भी है, तो आलू ज्यादा पहुंचे हैं और रेट जो है दिल्ली आजादपुर मंडी में आज लगभग वही रहे हैं, सेम रहे हैं। हल्के आलू में गिरावट है, बाकी वो जो रेट चल रहे थे वही चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आढ़ती कोशिश करेंगे कि अब इससे भी नीचे जाकर के आलू की बिक्री करेंगे, ठीक है, ये स्थिति है। अब हम बात कर लेते हैं जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में 80 से 85 गाड़ी की आमदनी है, और बढ़िया वीआईपी आलू 24 से 25 रुपए, हल्की क्वालिटी के आलू 20 से 21 रुपए किलो बिके हैं, और हाइब्रिड आलू बिके हैं 18 से लेकर 19 रुपए किलो तक, ठीक है। बात कर लेते हैं कानपुर मंडी की, तो 50 गाड़ी है, वीआईपी जो गुल्ले हैं दोस्तों आज 21 से 22 बिके हैं, हल्के 17 से 18, और मोटा आलू बिका है 22 से 23 24 रुपए किलो तक, वीआईपी मतलब बढ़िया आलू, हल्की क्वालिटी का बिका है 20 से लेकर 21 रुपए किलो, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके मदुरई मंडी की, तो मदुरई मंडी में कल रिकॉर्ड आमदनी, 18 गाड़ी दोस्तों पहुंची थी, वीआईपी आलू बहुत अच्छे आलू 33 से 34 बिके हैं, हल्की क्वालिटी के आलू बिके 31 से 32 रुपए किलो तक, ये दोस्तों मदुरई मंडी एक समय पर 37-38 रुपए किलो लगातार बिकी है, ठीक है। और बात कर लेते हैं दोस्तों तिरछी मंडी की, तो 12 गाड़ी है, वीआईपी आलू बढ़िया 34 से 35 बिके हैं, हल्की क्वालिटी के आलू बिके हैं आपके 31 से 32 रुपए किलो तक। बात कर लेते हैं दोस्तों चेन्नई मंडी की, तो 16 गाड़ी है, चेन्नई मंडी में हसन का आलू थोड़ा सा ज्यादा असर दिखा रहा है, 16 गाड़ी है दोस्तों, और वीआईपी आलू आज बिके हैं 32 से 33, हल्की क्वालिटी के आलू 29 से 30 रुपए बिक रहे हैं दोस्तों। और अगर हसन का इस समय थोड़ा सा प्रभाव नहीं होता तो एसी चेन्नई मंडी में आलू 30 से लेकर 35 रुपए किलो बिक रहे होते, 16 गाड़ी आगरा होते हुए, ठीक है। तो पर थोड़ा बहुत 1-2 रुपए किलो का तो ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि हसन में भयंकर बारिश हो रही है, जब मौका मिलता है किसानों को तो थोड़ा बहुत आलू खोद कर चेन्नई में आता है और मंडियों में पहुंचता है। पूना मंडी की बात करें, पूना मंडी में दोस्तों 20 गाड़ी आयसर है, 10 गाड़ी बड़ी आगरा की है, पूना मंडी में आज तेजी है दोस्तों, जो आलू 28 बिक रहे थे वो 30 रुपए किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के आलू बिक रहे हैं आपके 24 से 25 रुपए किलो, ठीक है दोस्तों। ये स्थिति चल रही है आज मंडियों में, ये गाड़ी इतनी तेज चला रहा है कि उसमें हिसाब ही नहीं बन पा रहा मेरा, और लहरा और रहा है, जाना है गड्ढे हो गए रोडों पे। और बताइए सभी किसान भाई कैसे हैं, कमेंट में लिख के जरूर बताएं, क्योंकि ये लोग वीडियो बनाने नहीं देंगे मुझे, ठीक है। और आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आलू की बिक्री अपने समय जरूरत के अनुसार धीरे धीरे दोस्त किसान भाइयों करते रहिए, घबराहट में कुछ मत करो काम, घबराहट करोगे तो तुमको खुद को भुगतना पड़ेगा, ध्यान रखना। आप उल्टे सीधे रेटों में बेचोगे तो उल्टे सीधे रेटों में खरीदने के लिए तमाम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो समझदारी का परिचय दें, समझदारी से अपना काम करें और समझदारी से आलू की बिक्री करते रहिए, ठीक है दोस्तों। ये है, और यहाँ कोई वो है एग्जाम वगैरह है कुछ पता नहीं, क्या बड़ा भीड़ है यहाँ तो। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का, चैनल के साथ बने रहें।